नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल। मैं रीवा मुंद्रा स्वागत करती हूँ आपका हमारे चैनल पुस्तक कॉमिक्स पर। तो आज अपन देखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के वर्ड प्रॉब्लम्स वाले क्वेश्चंस। और अपन जो क्वेश्चंस देखेंगे ना, वो अपन कैसे देखेंगे, टॉपिक बाय टॉपिक। बहुत बार एग्जाम्पल अपन ने पहले सॉल्व कर ली, स्पीड डिस्टेंस टाइम से रिलेटेड, फिर अपन ने एजेस से रिलेटेड, फिर नंबर से रिलेटेड। इससे आपके बहुत सारे क्वेश्चन क्या क्लियर हो जाएंगे, टॉपिक के रिलेटेड आपका डिस्कशन क्या हो जाएगा, एकदम परफेक्ट हो जाएगा। तो अपन आज जो इस वीडियो में देखेंगे वो अपन देखेंगे स्पीड डिस्टेंस टाइम से रिलेटेड क्वेश्चन। ठीक है, तो अपन स्टार्ट करते हैं। आज अपना टॉपिक ही एक तरह समझ लो स्पीड डिस्टेंस और टाइम। अब सबसे पहले इनमें रिलेशन क्या होता है, या बचपन से पढ़ते आ रहे हो, डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम, और टाइम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ये तो आपको क्लियर है। अब आपको क्या होगा, इनमें से कोई ना कोई एक चीज मिसिंग होगी और कोई चीज अच्छे से गिवन होगी, अब वो आपको दिमाग लगाना है। अब ठीक है, अब देखो आपको सबसे पहले बताते हैं क्वेश्चन पे। अ ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 300 किलोमीटर एट अ कॉन्स्टेंट स्पीड। ये आपकी एक ट्रेन है, मैं क्या करूंगी, शॉर्ट स्टोरी बना दूंगी जिससे आपको क्लियर हो जाएगा। ट्रेन क्या करती है, एक डिस्टेंस ट्रेवल करती है। डिस्टेंस जो है साफ साफ गिवन है, वो है 300 किलोमीटर। और स्पीड क्या है, कॉन्स्टेंट रहती है। स्पीड क्या रहती है, कॉन्स्टेंट। मतलब अपन अजम्पशन करते हैं अगर 20 किलोमीटर है तो पूरे एरिया में 20 किलोमीटर ही गई है। इफ द स्पीड ऑफ द ट्रेन इज इंक्रीज बाय 5 किलोमीटर पर आवर, 5/5 किलोमीटर एन आवर। मतलब ये कहना चाह रहे हैं, अब जो स्पीड है ना, अब इन्होंने क्या करा, जो स्पीड है अपन न्यू स्पीड की बात करते हैं, वो क्या करती है, इंक्रीज करती किससे, 5 किलोमीटर पर आवर से। तो क्वेश्चन बोल रहा है द टाइम टेकन वुड बी 2 आवर्स लेस। तो आपको जो डेस्टिनेशन है ना, सपोज ये अपना डेस्टिनेशन है, यहां तक पहुंचने में 2 आवर्स क्या हो जाएंगे, आपके कम लगेंगे। अच्छा दिमाग लगाओ, अभी चल रही है स्पीड कॉन्स्टेंट, अगर आपकी स्पीड आप बढ़ाते हो तो ऑब्वियसली जगह पे पहुंचने में आपको कम टाइम लगेगा, 2 आवर्स लेस। तो देखते हैं, चलो मतलब अपन को एक चीज क्लियर आ गई कि अपन को निकालनी क्या, स्पीड निकालनी। तो अपन मान लेते हैं लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन बी एक्स किलोमीटर पर आवर। तो एक चीज बताओ, जब 2 आवर्स लेस लग रहा है, मतलब एक तरह से मुझे टाइम गिवन है, क्या मैं इससे टाइम निकाल सकती हूँ, तो मुझे बताओ टाइम क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितनी है 300 और स्पीड कितनी x, ये आ गया अपना। अब न्यू टाइम, मुझे बताओ न्यू टाइम क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अभी भी कितनी है, अब स्पीड कितनी हो गई, इंक्रीज बाय 5, तो x प्लस 5 हो गई, इतना आपको टाइम लगेगा। अब एक चीज बताओ, अब क्वेश्चन ने साफ बोला है कि आपको क्या है, पहले वाले टाइम से 2 घंटे कम लगते हैं। सबसे पहले इन क्वेश्चंस में अगर आपको समझ में नहीं आ रहा कि भाई क्या करना है, तो एक चीज तो क्लियर, 2 घंटे कम लगते हैं, मतलब ये दोनों क्या होंगे, माइनस करेंगे, भाई ये भी टाइम है ये भी टाइम है, इन दोनों के टाइम का डिफरेंस कितना है, 2 घंटे कम है। ठीक है, अब क्वेश्चन ये आता है कौन सा पहले लिखना है। अच्छा दिमाग लगाओ, बड़ा नंबर कौन सा होगा, इसका डिनोमिनेटर है x, इसका डिनोमिनेटर है x प्लस 5, ऑब्वियसली इसका डिनोमिनेटर क्या होगा, छोटा होगा। इस सब जिसका डिनोमिनेटर छोटा होता है वो वैल्यू क्या होती, बड़ी होती है। तो ये चीज तो क्लियर हो गई, ये क्या है, बड़ा है। तो सिंपल क्या करो भाई, क्वेश्चन बोल रहा 2 घंटे कम लगेंगे, तो इसका टाइम कितना होता, 300 अपॉन x, माइनस इसका टाइम कितना है, 300 अपॉन x प्लस 5, और इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 2 आवर्स। ये बन गया आपका पूरा इक्वेशन। तो अपन क्या करते हैं, इसमें से 300 कॉमन निकालते हैं, अंदर क्या बचेगा, 1 अपॉन x माइनस 1 अपॉन x प्लस 5 इक्वल्स टू 2, यही बचा। अब अंदर अपन एलसीएम लेते हैं, एलसीएम क्या आ जाएगा, x मल्टीप्लाई x प्लस 5, ये देखा x प्लस 5 माइनस x इज इक्वल्स टू 2, इस x से ये x कट, ये दे देगा अपन को 1500 अपॉन x स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल्स टू 2। तो 1500 कितना हो गया, 2x स्क्वायर प्लस 10x, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया। नेक्स्ट ये क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर प्लस 10x माइनस 1500 इक्वल्स टू 0, यही चीज होगी। अब इसमें से अपन 2 कॉमन लेते हैं, अंदर क्या बचेगा, x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 750 इज इक्वल्स टू 0, ये कैंसिल हो गया 2, तो x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 750 इज इक्वल्स टू 0। अब क्या अपन इसकी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर सकते हैं, तो अपन क्या करते हैं, इसकी मिडिल टर्म स्प्लिट लेते हैं। अब सम कितना होना चाहिए, 5, और प्रोडक्ट कितना होना चाहिए, माइनस का 750। तो अगर सपोज मैं नंबर लू प्लस 30 कॉमा माइनस 25,
इन दोनों को प्लस करो आंसर क्या आएगा 5, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो आंसर क्या आएगा माइनस का 70। तो एक्स स्क्वायर प्लस अपन ले लेते हैं यहाँ पे 30x माइनस 25x माइनस 750 इक्वल्स टू जीरो। इन दोनों में से कॉमन क्या है, x कॉमन आया अंदर क्या बचा x प्लस 30। इन दोनों में से कॉमन क्या आया माइनस 25, अंदर क्या बचा x प्लस 30 इक्वल्स टू जीरो। तो x प्लस 30 मल्टीप्लाई एक्स माइनस 25 इक्वल्स टू जीरो। तो x क्या हो गया, या तो माइनस 30 हो गया और x की वैल्यू क्या हो गई 25। ये अपन रिजेक्ट कर देंगे, क्यों, बिकॉज स्पीड क्या होगी नेगेटिव नहीं हो सकती। तो आंसर क्या है x इक्वल टू 25, मतलब इसको टाइम मतलब इसकी स्पीड कितनी है 25 किलोमीटर पर आवर। आई गेस आपको ये क्वेश्चन एकदम क्लियर है। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के पास है, द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज 15 किलोमीटर पर आवर इफ इट इज गोन अपस्ट्रीम 30 किलोमीटर एंड रिटर्न डाउनस्ट्रीम टू द ओरिजिनल पॉइंट द टाइम टेकन इज 4 आवर्स 30 मिनट्स फाइंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। सबसे पहले ही जो अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम का कॉन्सेप्ट है वो समझो। सपोज ये आपकी बोट है, प्लीज इग्नोर माई ड्रॉइंग, आज जो है पानी पानी टाइप्स में ये पानी है, ठीक है। अब आपकी बोट जो है ना उसकी स्पीड जा रही इस डायरेक्शन में, लेकिन आपकी पानी की स्पीड जा रही इस अपोजिट डायरेक्शन में। तो इस कॉन्सेप्ट को अपन बोलते हैं अपस्ट्रीम। तो ऑब्वियसली पानी, सपोज अब आप एक बोट है आप उसको ऐसे ही छोड़ दो पानी में वो फिर भी चलेगी, क्यों चलेगी, बिकॉज पानी की भी स्पीड होती है। सपोज जो बोट की स्पीड है वो है आपकी x किलोमीटर पर आवर और पानी की जो स्पीड है वो है आपकी y किलोमीटर पर आवर। तो जो अपस्ट्रीम की स्पीड होगी ना उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, स्पीड क्या हो जाएगी माइनस हो जाएगी, बिकॉज आपकी स्पीड कम हो जाएगी। स्पीड कम क्यों, क्योंकि प्रेशर ज्यादा लग रहा है भाई, एक तो आप इधर से धक्का मार रहे हो उधर से धक्का मार रहे हो अपोजिट डायरेक्शन, तो प्रेशर क्या होगा ऑब्वियसली कम होता जाएगा। तो आपकी जो अपस्ट्रीम होती है ना वो होती है एक्स माइनस वाई, हमेशा याद रखना एक्स माइनस वाई होती है, मतलब बोट में से स्टिल वाटर की स्पीड माइनस होती, कभी स्टिल वाटर में से बोट की मत कर देना क्योंकि ऑब्वियसली बोट की स्पीड ही ज्यादा होगी, ठीक है। अब अपन बात करते हैं डाउनस्ट्रीम की। डाउनस्ट्रीम मतलब ये वापस आ गई अपनी दूसरी बोट और ये आ गया अपना ब्लू है पानी पानी। अब ये कहना चाह रहा है डाउनस्ट्रीम मतलब क्या होता है, बोट की स्पीड इधर और पानी की स्पीड भी इधर ही है, हम साथ साथ है टाइप्स, ठीक है। तो इसमें जो डाउनस्ट्रीम होता है ना, डाउनस्ट्रीम में क्या हो जाता है स्पीड, अगर अपन डाउनस्ट्रीम की बात करते तो इसमें स्पीड जाती है प्लस, बिकॉज ऑब्वियसली आपकी स्पीड इंक्रीज होगी। वही है ना कि सपोज मैं आपका हाथ पकड़ के आपको सीधे लेके चल रहा हूँ और आप भी सीधे ही चल रहे हो तो दोनों की स्पीड बढ़ जाएगी, तो इसको बोलते हैं अपन डाउनस्ट्रीम। अब इस क्वेश्चन की बात करें, इसने बोला स्पीड ऑफ बोट, स्पीड ऑफ बोट जो है वो आपको गिवेन है कितनी 15 किलोमीटर पर आवर। अब ये जाता है 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम जाता है वही 30 किलोमीटर और टाइम लगता है 4 घंटे 30 मिनट। अब स्पीड ऑफ द स्ट्रीम निकालनी, सबसे पहले अपन मान लेते हैं लेट स्पीड ऑफ स्ट्रीम बोलो स्टिल वाटर बोलो एक ही बात है, अपन मान लेते हैं y किलोमीटर पर आवर। अब मुझे बताओ अपस्ट्रीम, अगर मैं बात करूं अपस्ट्रीम की स्पीड तो वो उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, स्पीड ऑफ बोट माइनस स्टिल वाटर y। अब मैं बात करूं अगर डाउनस्ट्रीम, तो डाउनस्ट्रीम की स्पीड क्या हो जाएगी 15 प्लस y हो जाएगी और किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आर, ये चीज क्लियर है। अब मुझे बताओ, मुझे स्पीड पता तो चल गई, साफ साफ क्वेश्चन ने गिवन है डिस्टेंस कितनी है भाई, 30 किलोमीटर ज्यादा 30 है तो दोनों में डिस्टेंस कितनी हुई 30 ही होगी। अब मुझे बताओ टाइम, टोटल टाइम कितना लग रहा है इसको 4 आवर्स और 30 मिनट्स। अच्छा 4 आवर्स 30 मिनट्स कितना होता है, 4 1/2, क्योंकि 30 मिनट्स मतलब आधा घंटा, 4 1/2 मतलब क्या दे देगा 9/2 आवर्स, ठीक है। अब मुझे बताओ अगर मैं बात करूं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जब अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम टोटल मिला के टाइम इतना ले रहा है, तो अपस्ट्रीम का टाइम कितना होगा भाई 30/15 - y प्लस डाउनस्ट्रीम का टाइम होगा 30/15 + y और टोटल टाइम कितना है 9/2। अपन इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, इसके पहले 30 कॉमन लेते हैं और फिर अंदर एलसीएम ले लेते हैं, क्या बच जाएगा 15 - y 15 + y मल्टीप्लाई में, इसको मल्टीप्लाई कर लो 15 + y प्लस 15 - y और आंसर क्या है यहाँ पे 9/2। तो देखो y से y कट हो गया, 15 + 15 = 30, तो 30 × 30 अपॉन a - b a + b a² - b² तो 15 का स्क्वायर 225 - का y² = 9/2, ठीक है। तो ये क्या दे देगा अपन को
900, इसको पहले क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल्स टू 9 मल्टीप्लाई 2 टू 5 माइनस y स्क्वायर. अब 9 वन जा 9, 900 जा तो 200 कितना हो गया, 2 टू 5 माइनस का y स्क्वायर. इसको अपन y स्क्वायर को इधर ले आते हैं, इसको उधर ले जाओ, तो y स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना हो गया, 2 टू 5 माइनस 200, तो y स्क्वायर कितना हो गया अपने पास 25. तो y कितना हो गया अंडर रूट 25. अब y कितना हो गया अपना प्लस माइनस 5, लेकिन y क्या हो जाएगा सिर्फ प्लस 5, बिकॉज माइनस 5 क्या कर देंगे अपन रिजेक्ट कर देंगे. रिजेक्ट क्यों, बिकॉज स्पीड कैन नॉट बी नेगेटिव, आपकी स्पीड कभी भी नेगेटिव नहीं आ सकती. तो ये चीज क्लियर होगी, स्पीड ऑफ स्ट्रीम कितनी होगी 5 किलोमीटर पर आर. आई होप आपको अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम का कॉन्सेप्ट भी क्लियर है. ठीक है, अब अपन बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे. नेक्स्ट और अपना ये लास्ट क्वेश्चन है, इसमें अपने स्पीड डिस्टेंस टाइम के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए. अब ये समझना, अ ट्रेन टेक्स 3 आवर्स लेस देन अ स्लो ट्रेन फॉर अ जर्नी ऑफ 600 किलोमीटर. इफ द स्पीड ऑफ स्लो ट्रेन इज 10 आवर्स लेस देन द फास्ट ट्रेन, फाइंड द स्पीड ऑफ द टू ट्रेन्स. अब ये कहना चाह रहा है, सबसे पहले इसने क्या बोला, दोनों ट्रेन की स्पीड निकल, तो आपके पास दो ट्रेन है, एक तो आपके पास है स्लो ट्रेन और एक आपके पास है फास्ट ट्रेन. इसने बोला जो स्पीड है ना, द स्पीड ऑफ द स्लो ट्रेन इज 10 किलोमीटर लेस देन द फास्ट ट्रेन. अगर मैं मानती हूँ फास्ट ट्रेन की अपनी x है, तो स्लो की क्या हो जाएगी, x माइनस 10. भाई फास्ट ट्रेन के अपन x मान लेते, निकालना ही वही किलोमीटर पर आ. अब डिस्टेंस कितनी ले रहा है 600, ठीक है. अब इसका मैं निकालूंगा टाइम, स्लो ट्रेन का टाइम क्या हो जाएगा 600 अपॉन x माइनस 10, और इसका क्या हो जाएगा 600 अपॉन x, दोनों में टाइम यही होगा. अब क्वेश्चन ये बोल रहा है फास्ट ट्रेन 3 घंटे कम लेती है स्लो ट्रेन से, ऑब्वियसली 3 घंटे कम ही लेगी, बिकॉज अगर वो फास्ट है तो जल्दी पहुंचाएगी, अगर वो ज्यादा जल्दी पहुंचाएगी तो क्या होगा, टाइम कम हो जाएगा. अब मुझे बताओ इन दोनों में से बड़ा नंबर कौन सा है, ये तो क्लियर हो गया इन दोनों के टाइम का डिफरेंस है 3 घंटे, मुझे बताओ बड़ा नंबर कौन सा है. ऑब्वियसली ये होगा, जिसका डिनोमिनेटर छोटा वो नंबर बड़ा होता है, ये याद रखना है, मैं लाइन लिख रही हूँ बार बार, जिसका डिनोमिनेटर छोटा वो होता है बड़ा, वो क्या होता है बड़ा. इस प्लीज हिंदी इग्नोर करना, ठीक है. अब बात करते हैं डिनोमिनेटर छोटा किसका होगा, अगर ये x है और अपन इसमें से माइनस करते हैं तो ऑब्वियसली x माइनस 10 का छोटा होगा, मतलब ये नंबर बड़ा होगा. तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 600 अपॉन x माइनस 10 माइनस 600 अपॉन x, तो और टाइम कितना कम लग रहा है 3 घंटे, वही 600 कॉमन लिया, अंदर अपन ने एलसीएम लिया, एलसीएम क्या हो जाएगा x माइनस 10 मल्टीप्लाई x इज इक्वल्स टू 3, ये क्या दे देगा x माइनस x प्लस 10 हो जाएगा, भाई साइन है क्योंकि, तो देखो x से x कट हो गया, x से x कट, बचा क्या 6000 अपॉन x स्क्वायर माइनस का 10x इज इक्वल्स टू 3, तो 3 वन जा 3, 3 टू जा 2000 आ गया, तो अपने पास फिर फाइनली क्या बचा x स्क्वायर माइनस 10x इज इक्वल्स टू 2000, तो x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 2000 इज इक्वल्स टू 0. अब क्या अपन इसको सॉल्व कर सकते हैं, यहाँ पे सम कितना है अपना माइनस 10 का, प्रोडक्ट भी कितना है अपना माइनस का 2000. अगर मैं सपोज नंबर लू माइनस 50, 40, इन दोनों को प्लस करो क्या आएगा माइनस का 10, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो क्या आएगा माइनस का 2000. गाइस आप लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो, वहां अगर मिडटर्म स्प्लिटिंग से आंसर नहीं समझ में आ रहा यूज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अपन को टाइम बचाना है, वहां पे टाइम अपन को वेस्ट नहीं करना. तो ये क्या हो जाएगा x स्क्वायर माइनस का 50x प्लस 40x माइनस 2000 इज इक्वल्स टू 0. इन दोनों में कॉमन क्या है x, तो क्या बचा x माइनस 50, इन दोनों में कॉमन क्या आया प्लस का 40, तो क्या बचा x माइनस 50 इज इक्वल टू 0. तो x माइनस 50 x प्लस 40 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू क्या है अपने पास, एक तो 50 या फिर माइनस 40, ये कर देंगे अपन रिजेक्ट बिकॉज स्पीड कैन नॉट बी नेगेटिव. तो x की वैल्यू कितनी आई 50. आई होप आपको स्पीड डिस्टेंस टाइम से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस और क्वेरीज एकदम क्लियर है. बाकी आप लोगों को कोई डाउट आए ना, सपोज आपको कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आए, तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में आपका क्वेश्चन टाइप कर देना, विद इन 24 आवर्स आपके पास उसका रिप्लाई पहुंच जाएगा, इसकी मैं गारंटी लेती हूँ, ठीक है. तो आप कभी भी फील फ्री टू कॉल अस एनी टाइम, आप हमारी मेल आईडी पे भी मेल कर सकते हो, जो कि आपको सब कुछ
डिस्क्रिप्शन में गिवन है। एंड हाँ, लास्ट में सिर्फ एक ही चीज बोलूंगी, बार बार बोलूंगी, मुझे भी अच्छा नहीं लगता लेकिन फिर भी सुन लो, बात सिर्फ इतनी सी है कि चैनल को शेयर करो, उसको सब्सक्राइब करो, हमारी वीडियोस को लाइक करो। अब हम लोगों को आपके सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है। सो लास्ट में बाय गाइस, हैव अ नाइस डे, सी यू सून।